और 18 साल जब आप जनता ने उसका हिसाब नहीं मांगा तो हमसे एक साल दो साल का क्या हिसाब मांगेगी जनता। जनता समझदार है, हम 18 साल राज करेंगे उसके बाद हम जनता को हिसाब देंगे। दो साल भाजपा ने हम लोग लगता है कि एकदम भाजपा जब बौखला गई तो हम दुला रही थी सड़कों पर, युवा दुला रही थी भाजपा, अब युवा को छोड़कर अब हम नेताओं को दुला रही थी भाजपा। दो साल तक इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, कोर्ट कचहरी इधर तबाह कर दिया भाजपा के लोगों ने। बोरो खिलाड़ी का हेडमास्टर है भाजपा। भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं, अपने नेताओं पे विश्वास नहीं। देखिए चंपई दा बेचारा सीधा आदमी है, सीधा आदमी चंपई दा, दादा आपको यूज कर रहा है दादा, अफसोस होता है दादा, आप मत कीजिए ऐसा, आ जाइए दादा, अभी भी समय है दादा। आप आए बाबूलाल को लेकर और एक बाबूलाल आपको छोड़ देगा क्या? आप आने से देखिए हम लोग को कोई असर नहीं है, हम लोगों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन भाजपा को आपने खतरा पैदा कर दिया। बाबूलाल जी को नींद नहीं आ रहा है, हम करें तो क्या करें, क्या बात हुआ, हमारे ही लोगों को ले जाएंगे, कल हो सकता है अकेला जी को ले जाए, हम क्या कर लेंगे भाई। मैं दोस्त जी जाएंगे क्या? जहाँ इरफान रहेगा वहाँ रहूँगा। दोनों जा रहे हैं क्या? सम्मान की बात करें, मैया सम्मान रोजगार अबुआ आवास देने की बात कर रहे हैं, पोषण सखी को हम लोग समावेश कर रहे हैं, अपने सरकार अपने अंडरटेकिंग कर रही है, बच्चियों को डिग्री कॉलेज देने हैं, रोजगार का अंबार कर रहे हैं, और ये लोग क्या कर रहा है? लेकिन भानु जी बोल रहे हैं कि इरफान जी सब पर बोलते हैं, डॉक्टर इश्तियाक जो पकड़े गए रांची से आतंक से कनेक्शन बताया गया उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। अब देखिए बातें जाएगी तो दूर तक जाएगी। भाजपा की सरकार में आतंकवादी बनाया जाता है, इम्तियाज अली भिंडपड़ी के थे, आतंकवादी बनाया जाता है अपने फायदा के लिए, ये गलत बात है, उस परिवार का हाय तो लगेगा। झारखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मंत्री इरफान अंसारी जी हैं। इरफान जी क्या कुछ खास हुआ आपके विभाग से या ओवरऑल देखा जाए? देखिए आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने झारखंड के आन बान शान आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने झारखंडियों के लिए झारखंड वासियों के लिए बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए सभी भाइयों को और बहनों के लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया। मैं आपको बता दूं कि सखी पोषण सखी बहनें जो लगातार धरना पर बैठ रही थी, आवाज़ उठा रही थी, भाजपा सरकार बोलिए केंद्र सरकार बोलिए, जिसने हमारी बहनों को यूज एंड थ्रो किया, काम दिया और जब मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं भगा दिया। अब माँ बहनों को अगर इस तरह जलील कीजिएगा बताइए कितना, 10,000 बहनें लगभग, इतना लोड आप योजना दे दीजिए, उसके बाद योजना को बंद कर दीजिएगा तो क्या आपने सोचा क्या होगा उसका, क्या हाल होगा उसका? ठीक है आप हमारे बाल बच्चों का भविष्य तो आप खेलते हैं, लड़का लोग को खेलते हैं, लड़का के साथ भविष्य के साथ आप खेलते हैं समझ में आता है, आप औरतों के साथ माताओं के साथ बहनों के साथ आपने खेला, पोषण सखी बहने बताइए सड़क पर ला के दिया आपने, अपनी मांग को लेकर कहाँ कहाँ नहीं गई बेचारी लोग, बड़ा अफसोस होता था हम लोग को। और हमारे मुख्यमंत्री जी को जो हम लोग बताए बोले रुको 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 देख रहे हैं, समझने दो बुझने दो, और उसके बाद आज समावेश कर लिया गया, बहनों को अपना लिया गया। 10,000 जी भाजपा नकारते रहो और हम लोग अपनाते रहेंगे, ये हमारी सरकार। आज मुझे खुशी हो रही है, आज बहनों के लिए जामताड़ा में डिग्री कॉलेज, पिछड़ा जिला है एजुकेशन बहुत कम है, बगल में बंगाल है, बगल में धनबाद है, बगल में दुमका है, बगल में देवघर है, तो लोगों को लगता है कि वहाँ कॉलेज है तो हमारे ज़िला में कॉलेज क्यों नहीं है, ये बातें हमसे पूछते थे युवा लोग। मैंने कहा कि नहीं चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ मजबूती के साथ आ गया हूँ, कॉलेज ही मिल रहा है एकदम, आज मुख्यमंत्री जी ने दे दिया मुझे। तो हमको लगता है कि अब सरकार जो है जो पुरानी सबकी मांगे हैं वो हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। अभी हमारे विभाग से हमने निर्णय ले लिया है मनरेगा कर्मी का वेतन बढ़ाने का, जबकि 3 साल में बढ़ता है ये नियम है, नियमावली है, 22 में बढ़ाए थे हमारे आलमगीर साहब, लेकिन 22 के बाद 24 होगा, तो जबकि 25 में बढ़ना चाहिए था, और मंत्री मैं हूँ, मैंने कहा कि इरफान अंसारी के रहते हमारे नरेगा मनरेगा कर्मी मेरा भाई है, मेरा दिल है, मेरा टुकड़ा है, क्यों नहीं करेंगे? हमने फाइल निकाला, कलम साइन किया, कलम को तोड़ा, अपने मनरेगा कर्मियों को पैसा बढ़ा दिया। सहायक पुलिस के बारे में भी कुछ, वो लोग 60-70 दिन में नहीं नहीं उसमें क्या हुआ, आज कैबिनेट में हम लोगों ने बातें किया है, उसका भी समाधान हमें लगता है निकाल लिया जाएगा,
लिपिक का कुछ मामला था, हमने उठाया था। लिपिक लोग 12 तारीख से तो उनका भी बात हमने उठाया, तो विद्युत कर्मी लोग देखिए बगल में, विद्युत कर्मियों की भी मेरी वार्ता हुई, अविनाश जी से मेरी वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि हम मामला को देख रहे हैं, गंभीरता से देखें। तो सरकार अब लगता है कि अब फायर मोड में है, फायर एकदम अग्नि अग्निवीर के लिए देखिए अभी हम लोगों ने समावेश कर लिया। तो कहने का मतलब ये कि हम लोग काम करेंगे और जनता का दिल जीतने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को ये तय करना है कि आपका अच्छा कौन है, बुरा कौन है। आपको ये तय करना है, झारखंड वासियों को ये तय करना है, युवाओं को ये तय करना है कि 18 साल बनाम एक साल, हमें तो एक साल मिला ना मौका। दो साल कोरोना में जान बचाने का काम किया, आनंद फानन में दुनिया जानती है, जग जाहिर है, कोरोना में काम तो हम लोग किए नहीं। दो साल भाजपा ने, हम लोग लगता है कि एकदम भाजपा जब बौखला गई तो हम दुला रही थी सड़कों पर, युवा दुला रही थी भाजपा, अब युवा को छोड़कर अब हम नेताओं को दुला रही थी भाजपा। दो साल तक इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, कोर्ट कचहरी इधर तबाह कर दिया भाजपा के लोगों ने। और अब जब एक साल हम लोग स्थिर हुए हैं तो हमारे चंपी दाग भी ले गया, बताइए सर। कल भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, एकदम बड़ा अफसोस होता है, अच्छी बात नहीं है। पूर्व आप आग्रह भी पूर्व बोरो खिलाड़ी का हेडमास्टर है भाजपा, भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं, अपने नेताओं पे विश्वास नहीं। ये हमारे लोगों को ले जाएंगे, कल हो सकता है अकेला जी को ले जाए, हम क्या कर लेंगे भाई। मैं दोस्त जी जाएंगे क्या, जहाँ इरफान रहेगा वहाँ रहूँगा, दोनों जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, कहने का मतलब ये है कि अब देखता है कि कौन प्रकोप रहा है, समझे कि वो समाज का वोट ले लेगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं चंपई दा को कहूँगा, अभी भी है निर्णय है, आपने पहले सीता को तोड़ा, फिर गीता को तोड़ा, अभी आप चंपई दा को तोड़ दिए, तो क्या है ये? नहीं चलेगा ये सर, लोग जान रही है, लोग देख रही है, कोई फायदा नहीं होना है, कोई फायदा नहीं। हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, हम लोग बहनों का सम्मान की बात कर रहे हैं, मैया सम्मान रोजगार अबू आवास देने की बात कर रहे हैं, पोषण सखी को हम लोग समावेश कर रहे हैं, अपनी सरकार अपने अंडरटेकिंग कर रही है, बच्चियों को डिग्री कॉलेज देने हैं, रोजगार का अंबार कर रहे हैं। और ये लोग क्या कर रहा है? बांग्लादेश घुसपैठिया। अरे भाई, आप बहुत बड़ा हितैषी हैं क्या रक्षा करने के लिए? झारखंड हमारा है, हम लोग देख लेंगे कौन कहाँ है नहीं है। लेकिन भानु जी बोल रहे हैं कि इरफान जी सब पर बोलते हैं, डॉक्टर इश्तियाक जो पकड़े गए रांची से, आतंक से कनेक्शन बताया गया, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। अब देखिए, बातें जाएगी तो दूर तक जाएगी, ठीक है कि भाजपा के राज्य में गरीब होना पाप है। मैं भानु को कहूँगा उस परिवार से जाके मिल लो, भाजपा की सरकार में आतंकवादी बनाया जाता है, इम्तियाज अली भिंडपड़ी के थे, आतंकवादी बनाया जाता है अपने फायदा के लिए, ये गलत बात है। उस परिवार का हाय तो लगेगा, मैं ये नहीं कहता कि जो गलत है आप उसका साथ दीजिए, ठीक है ना, जो गलत गलत है, सही सही है। अपने स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी को आप जेल में ठूस दीजिएगा तो वह आपको हाय देगा, और हाई में बहुत नुकसान होता है बाबू, याद रखो। मुद्दे पे लड़ो यार, बंद करो ये सब। इरफान अंसारी मंत्री है, हमारे पास पावर है, सब कुछ है, हम क्या किसी को जेल में भरवा देंगे? आप तो बोले कि भाजपा के विधायकों का भी काम कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ ना, आप आइए ना। देखिए, मैं जहाँ से पढ़ा हूँ, टू बी फ्रेंक, ठीक है, मैंने ये कभी नहीं देखा जात पात। आप देखते होंगे मैं मंदिरों में जाता हूँ, सम्मान करता हूँ, आदिवासी भाइयों के बीच जाता हूँ, उनको मदद करता हूँ, जो होता है हमसे बनता है हम करता हूँ, सभी धर्म के बीच में भी जाता हूँ। तो राजनीतिक में आया हूँ कुछ दिशा दशा को चेंज करने के लिए, और ये लोग राजनीतिक में स्वार्थ के लिए लोग आ गए, अपना सत्ता के लिए आ गए, और सत्ता के लिए एक वर्ग को आप टारगेट करके उसको जलील कर रहे हैं। ले देखे मुस्लिम, अरे भाई क्यों कर रहे हो यार? सबसे अभी मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, आंकड़ा निकाल लीजिए, झारखंड में भाजपा 18 सालों में सबसे ज़्यादा शोषण मुसलमानों का किया, उनका हक छीन लिया। आज जेल में 90% लोग हमारे बंद हैं, तो ये भाजपा की देन है। कानूनी अड़चन है, पैंच है, धारा ऐसा लगा दिया है, हम चाह के भी नहीं निकाल सकते उसको। तो क्या होगा, क्या कीजिएगा?
सत्ता कुर्सी इतना प्यारा है, ये देख लीजिएगा। आज हमारे हेमंत जी को दुआ लगा ना भाई, मैं गया था, मैं हज कमेटी का चेयरमैन था, अभी नहीं हूँ प्रेजेंट में, लेकिन मैं विदा किया था हाजियों को, मैंने कहा था हमारे हेमंत जी के लिए दुआ करना भाई, मक्का जा रहे हो, मदीना जा रहे हो, और देखिए दुआओं में कितनी ताकत है कि मुख्यमंत्री जी विदाग छोड़ गए, आप सोचिए। तो आशीर्वाद लेना चाहिए ना, दुआएं ले लीजिए ना। मैं भानु को कहूँ क्या यार भानु, तुम गए भाजपा में चालू हो गए यार। सिर्फ भानु नहीं, अब तो चंपईदा भी बोल रहे हैं बांग्लादेशी और डेमोक्रेट। चंपईदा तो देखिए, चंपईदा बेचारा सीधा आदमी है, सीधा आदमी चंपईदा। दादा आपको यूज कर रहा है दादा, अफसोस होता है दादा, आप मत कीजिए ऐसा, आ जाइए दादा, अभी भी समय है दादा, आपका आपका 5 साल और रहेगा राजनीतिक में। आप आए बाबूलाल को लेकर, और एक बाबूलाल आपको छोड़ देगा क्या? आप आने से देखिए हम लोग को कोई असर नहीं है, हम लोगों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन भाजपा को आपने खतरा पैदा कर दिया। बाबूलाल जी को नींद नहीं आ रहा है, हम करें तो क्या करें, क्या बात हुआ, एक तो अमित शाह से मिल रहा है तो एक तो मोदी जी से मिल रहा है, समझ गए। तो आप देख लीजिए यही होगा यहाँ, लेकिन जनता नहीं देख रही है, जनता हम लोग को विश्वास की है, हम लोग आएंगे। और 18 साल जब आप जनता ने उसका हिसाब नहीं मांगा, तो हमसे 1 साल 2 साल का क्या हिसाब मांगेगी जनता? जनता समझदार है, हम 18 साल राज करेंगे, उसके बाद हम जनता को हिसाब देंगे। धन्यवाद। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन पीडीएफ। The followup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in